अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यू चैनल मैथ्स विद अबशाह क्लास सेवंथ हम कर रहे हैं एक्सरसाइज सिक्सटीन सी इससे पहले सिक्सटीन ए सिक्सटीन बी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी है आप मेरे चैनल पर जाकर दोनों एक्सरसाइजेस के तमाम क्वेश्चन को ईजी वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं आज की वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज सिक्सटीन सी ठीक है 16C, तो एक्सरसाइज सिक्सटीन सी स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको कुछ डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगी ठीक है वो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है आप आ जाएं यहाँ पे प्रोबिलिटी की डेफिनेशन के लिए पेज नंबर 238 पे ठीक है पेज नंबर 238 पे हमें यहाँ पे नजर आ रहा है प्रोबेबिलिटी प्रोबिलिटी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद चांस ऑफ अकरनेस यानी वो कह रहे हैं किसी चीज के होने के कितने चांस हैं उसको क्या कहा जाता है या किसी इवेंट के होने के कितना चांस है उसको प्रोबेबिलिटी कहा जाता है अब प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड की जाती है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है आप पेज नंबर टू फोर्टी पे देखें यहाँ पे ऊपर आपको फार्मूला नजर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू हैपन उसको हम से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ठीक है यानी जो हमें चांस नजर आ रहा है वो लिखेंगे और टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो हम इसको टोटल नंबर ऑफ आउटकम पे डिवाइड कर देंगे आपको एक एग्जांपल दिखा रहे हैं यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आपको कहा गया है कि ठीक है और नंबर आपको बताए गए हैं या इवन नंबर आपको बताए गए हैं यहाँ पे देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर तो आप ऑड uh, नंबर जो है आपको पता है कौन कौन से होते हैं वन थ्री फाइव ये आपको एक सेट दिया गया है यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स दिए गए हैं ठीक है ठीके? टोटल नंबर आपको जो है वो दिए गए हैं यहाँ पे सिक्स अब और नंबर जो हमने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो हमें यहाँ पे देखे थ्री दिए गए वन थ्री एंड फाइव ठीक है अब हमने फार्मूला में क्या करना है फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल ठीक है आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम अब हमने यहाँ पे देखना है कि जो हमारे फेवरेबल है वो तीन आ रहे हैं यानी जो आउट नंबर है वो तीन है वन थ्री एंड फाइव तो थ्री लिख लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल कितने है? ये सारे सिक्स हैं। सिक्स लिख लेंगे डिवाइड कर लेंगे तो थ्री वन जा, थ्री थ्री टू जीरो सिक्स वन बाय टू इसकी प्रॉबिलिटी आ जाएगी ठीक है बहुत ईजी क्वेश्चन है अब हम एक्सरसाइज सिक्सटीन सी का देखते हैं कि इसमें क्या है ये बहुत इजी एक्सरसाइज है बच्चों इस पर पूरा फोकस करें आपको इजी वे में समझ आ जाएगी फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमें कहा जा रहा है ये आपको कुछ इवेंट्स दिए गए हैं इन द फॉलोइंग इवेंट्स राइट करेक्टली वेदर आउटकम आर पॉसिबल आपने बताना है कि क्या इसका आउटकम जो है वो पॉसिबल है या इम्पोसिबल या सर्टन यानी बताना है कि मुमकिन है या नहीं मुमकिन है या वाकई ही मुमकिन है अब देखें टू डे दे इज थर्सडे एंड येस्टरडे वाज वेन्सडे वो कह रहे हैं आज जुमेरात है और कल बुध था तो जहरी बात है अगर आज जुमेरात है तो कल क्या होगा पिछला दिन उसे कौन सा होगा वेन्स्डे होगा तो ये वो बात है जो यकीनी बात है ठीक है तो इसको हम यहाँ पे इसको सर्टन को यहाँ पे इसमें लिख लेंगे यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे सर्टन फिर है यू विल थ्रो अ फाइव विथ अ सिंगल डाइस एक डाइस है उसको आप फेंकते हैं ठीक है हो सकता है उसमें फाइव आ जाए तो ये पॉसिबल हो सकता है यानी पॉसिबल है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे पॉसिबल यू विल सी सन ऑन द स्काई आफ्टर नाइन पी एम रात के नौ बजे के बाद आप आसमान पर सूरज देख सकते हैं या देखेंगे तो ये तो एक नामुमकिन बात है ऐसा तो होता ही नहीं है सूरज तो दिन के टाइम निकलता है ठीक है हमें रात टाइम पे सूरज कैसे नजर आ सकता है तो ये स्टेटमेंट क्या है इम्पॉसिबल ठीक है ये क्वेश्चन नंबर वन गया क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं इसमें हमें कहा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग एस फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड ये आपको आप दिया गया है एक वर्ड ठीक है फोटो सेंसेस इसमें आप वो कह रहे हैं कि एस की क्या प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करनी है अब अच्छा गौर करें तो ये जो लेटर है इसके जो लेटर्स हैं इस वर्ड के वो आप देखें कि ये कितने हैं काउंट कर लें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन ठीक है टोटल जो है मतलब आउटकम कितने हैं ये फोर्टीन है अब वो हमें कह रहे हैं एस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अब हम देख लेते हैं कि एस कितने हैं इसमें वन टू थ्री ठीक है थ्री हमारे पास एस है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास फोर्टीन है तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एस फाइंड करनी है तो इसको हम सोल्यूशन uh, इसका स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज सिक्सटीन का क्वेश्चन नंबर टू का सोल्यूशन हम बच्चों करने लगे हैं इसमें हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एस की ठीक है अब हम पहले तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी का फार्मूला प्रोबेबिलिटी ठीक है इसमें क्या लिखते हैं हम हमने लिखना होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ठीक है यहां पे लिख लें ओ no, ठीक है आप डॉट लगा ले तो इसका मतलब यह है कि नंबर है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अब हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एस की तो पी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी को और फाइंड करनी है एस की तो उसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस तो इक्वल का साइन लगाएंगे हमने देखा है कि एस जो है वो कितना है हमने गौर किया है तो गौर करने पर हमें पर कितने दफा एस देखने को मिला है तो वो थ्री टाइम था थ्री लिख लेंगे यानी इसको कहते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और नीचे जो है वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो उस जो वर्ड था फोटो उसमें कितने लेटर्स थे हमने काउंट किए थे वो कितने थे फोर्टीन तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एस आ चुका है बच्चों ये अब एक दूसरे पे हम इसको कटिंग नहीं कर सकते रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि एक नंबर ऑड है दूसरा नंबर हमारा इवन है तो अब हम इसको कट नहीं कर सकते तो यही हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एस आ चुकी है क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री करने लगे क्वेश्चन नंबर थ्री की स्टेटमेंट है विच ऑफ तीस नंबर कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी यानी इनमें से कौन से ऐसे नंबर है जिनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं की जा सकती तो ये याद रखें बच्चों के वन से जो अबव होते हैं और जीरो से जो नीचे होते हैं उनकी प्रॉबलिटी फाइंड नहीं की जा सकती ठीक है तो अब ये जीरो की कैटेगरी में है इसकी तो फाइंड की जा सकती है इसकी भी की जा सकती है अब ये वन से अबव है वन पॉइंट जीरो थ्री तो इसकी प्रॉबलिटी फाइंड नहीं की जा सकती तो मैं इसको सर्कल कर रही हूं ठीक है और माइनस वन अब ये है वन से नीचे चला गया तो इसकी भी प्रॉबलिटी फाइंड नहीं कर सकते अब यहां पे देखे थ्री बाय फोर और ये इसकी कर सकते हैं ठीक है और ये वन एडिशन वन बाय टू टू में टू अंजार टू और वन ऐड करेंगे थ्री थ्री बाय टू तो ये भी वन से अबव हो जाएगा थ्री को हम जब अंदर रखेंगे टू पे डिवाइड करेंगे तो वन से अबव इसका आंसर आएगा तो इसकी भी प्रॉबलिटी फाइंड नहीं की जा सकती तो ये जो हमारी जो तीन स्टेटमेंट है मतलब थ्री फोर और सिक्स ये ऐसी है जो तीनों इनकी प्रॉब्लिटी हम फाइंड नहीं कर सकते क्वेश्चन नंबर फोर में देखें फाइंड द प्रोबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल फ्रॉम अ बैग ऑफ थर्टीन येलो बॉल्स एंड सेवनटीन ब्लू बॉल्स वो कह रहे हैं कि एक बैग है जिसमें थर्टीन येलो बॉल्स है और सेवनटीन ब्लू बॉल्स है तो आपने प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है येलो बॉल की क्वेश्चन नंबर फोर का पक्ष हम सोल्यूशन कर रहे हैं तो इसमें हम पहले लिख लेंगे की जितनी जितनी हमें बॉल्स दी गई थी ठीक है हमें येलो बॉल्स दी गई थी हम पहले वो लिख लेते हैं येलो बॉल्स वो हमें कितनी दी गई है थर्टीन ठीक है और ब्लू बॉल्स वो हमें दी गई है सेवनटीन अब इन टोटल इनको काउंट कर लेते हैं कि टोटल कितनी बॉल्स बनती हैं टोटल बॉल्स थर्टीन में सेवनटीन को ऐड करेंगे तो ये थर्टी बॉल्स बन जाएंगी टोटल ठीक है अब अपने प्रोबेबिलिटी येलो वाली बॉल्स की फाइंड करनी है तो अब हम उसके लिए पहले फार्मूला लिख लेते हैं यहां पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी फिर आप प्रॉबिलिटी किसके इक्वल होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ठीक है अब यहां पे हम फाइंड क्या कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड कर रहे हैं हमने फाइंड करनी है येलो बॉल की अब हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का पी लिख के ठीक है यहाँ ब्रैकेट में येलो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल्स इज इक्वल का साइन डालेंगे अब देखें यहाँ पे येलो बॉल्स हमें कितनी दी गई है थर्टीन और टोटल बॉल्स कितनी है थर्टी अब ये लिख लेंगे येलो बॉल्स जो है हमारी ये फेवरेबल आउटकम है थर्टीन और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे कितने हैं थर्टी ये दोनों कट नहीं सकते ठीक तो है तो इसलिए हमारी यही प्रोबेबिलिटी आ गई है येलो बॉल की क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर फाइव करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में बच्चों हमें कहा गया ड्रॉ ड्रा प्रोबलिटी स्केल लाइक दिस आपको ये स्केल दिखाया गया है ठीक है इसमें कुछ आपको कंडीशंस दी गई इम्पॉसिबल अनलाइकली जस्ट एज लाइकली हैपन एज नॉट लाइकली सर्टन ठीक है यानी वो चीजें कुछ चीजें पॉसिबल है कुछ नहीं है कुछ हो भी सकती है कुछ नहीं भी तो वो कह रहे हैं ड्रॉ एंड एरो टू शो द चांस ऑफ इवेंट गिवन ब्लो अब आपने बताना है कि इनमें से कौन कौन सी जो चीजें हैं हो सकती हैं या नहीं हो सकती है या क्या हो सकता है उसके बारे में आपने बताना है फर्स्ट पे दिया गया वेन अ क्वाइन इज टॉस्ट इट विल शो अ टेल अब एक क्वाइन है उसको हम टॉस करते हैं उसको फेंकते हैं तो उसका टेल वो कह रहे हैं इट विल शो अ टेल तो वो शो करेगा टेल को तो ऐसा तो मुमकिन नहीं कि वो टेल को ही शो करे हो सकता है कि हेड भी आ जाए तो इसमें आधी पॉसिबिलिटी है कि हेड आ जाता है आधी पॉसिबिलिटी क्या है टेल आ सकता है तो अब इसमें हम क्या लिख देंगे जस्ट एज लाइकली टू हैपन एज नॉट यानी ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता तो यहां पे हम लिख लेते हैं जस्ट एज लाइकली टू हैपन और नॉट यानी ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है सेकेंड पे देखें यू विल फाइंड अ हिस्ट्री चैप्टर इन मैथ बुक वो कह रहे हैं कि हिस्ट्री का चैप्टर मैथ की बुक में आपको फाइंड करें या आपको मिलता है या मिलेगा तो अब आप इसमें देखें कि अब मैथ की बुक है मैथ की बुक में तो मैथ से रिलेटेड एक्सरसाइजेज होती है ना उसमें हिस्ट्री चैप्टर तो होते ही नहीं है तो ये क्या है स्टेटमेंट हमारी ये इम्पॉसिबल ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ठीक है यहां पे लिख लेंगे इम्पॉसिबल इट विल रेन टूडे ठीक है वो कह रहे हैं कि कल बारिश हो या आज बारिश होगी टू डे कह रहे हैं आज बारिश होगी अब इसमें देखें बच्चों पॉसिबिलिटी है कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती तो इसमें फिर हम क्या लिखेंगे हम यही लिखेंगे इसमें भी कि जस्ट एज लाइकली टू हैपन एज नॉट यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता तो यहां पे लिख लेंगे जस्ट एज लाइकली टू हैपन नॉट और नॉट फिर है आ लीप ईयर हैविंग 365 डेज वो कह रहे हैं कि लीप ईयर जो है 365 डेज का होता है तो ये देखें बच्चों के जो हमारा जो ईयर होता है ना वो 365 डेज का होता है लेकिन जब लीप ईयर आ जाता है जिसमें फरवरी 29 डेज का होता है तो उस वक्त हमारे जो ईयर के डेज हैं वो 366 डेज हो जाते हैं तो लीप ईयर जो है वो हमेशा 366 डेज का होता है तो इसका मतलब ये जो कह रहे हैं कि थ्री सिक्सटी फाइव डेज का तो ये इम्पॉसिबल है तो यहां पे लिख लें इम्पॉसिबल अभी तो देखें द डे आफ्टर फ्राइडे विल बी संडे वो कह रहे हैं डे फ्राइडे के बाद संडे होगा बिल्कुल इम्पॉसिबल है ये क्योंकि देखें डे दे, हमारा जो है फ्राइडे के बाद क्या आता है सैटरडे आता है संडे तो नहीं आता तो इसको भी इम्पॉसिबल लिखते हैं क्वारडिलेटरल हैविंग फाइव साइड वो कह रहे हैं क्वारिलेटरल जो है उसकी फाइव साइड होती है तो ये हमारे स्टेटमेंट पे क्या हो जाएगी ये पॉसिबल नहीं है इम्पॉसिबल है क्योंकि क्वारिलेटरल की फाइव साइड नहीं होती तो यहां पर लिखेंगे इम्पॉसिबल सेवन में कह रहे हैं थर्टी डेज इन द मंथ ऑफ जून मंथ जो है जून का उसमें थर्टी डेज ठीक है वाकई ही जून का जो महीना होता है उसमें तीस दिन ही होते हैं तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट हमारी क्या है सर्टन है ठीक है यानी ये बात यकीनी है रीडिंग थ्री हंड्रेड पेजेस इन वन डे कह रहे हैं कि थ्री हंड्रेड पेज जो है एक दिन में क्या पढ़े जा सकते हैं तो इसमें यह है कि पढ़े भी जा सकते हैं ठीक है और इसके में हम ये लाइकली लिख लें कि अगर कोई पढ़ना चाहे ना तो पढ़ सकता है थ्री हंड्रेड पेजेस अगर कोई और काम ना करे तो बैठ के थ्री हंड्रेड पेजेस एक दिन में पढ़ सकता है यहाँ पे लाइकली लिख लेते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स की स्टेटमेंट देखते हैं इसमें हमें कहा गया है कि वन बॉल इज रेंडमली पिक्ड फ्रॉम द बॉक्स एक बॉल जो है हम बॉक्स से उठाते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग जिस बॉल को हम सिलेक्ट कर रहे हैं आपने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फर्स्ट में आपने फाइंड करना है ग्रीन बॉल येलो बॉल रेड बॉल ठीक है ये बॉक्स है इसके अंदर ये ग्रीन येलो रेड बॉल्स दी गई हैं आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ग्रीन बॉल की येलो बॉल की रेड बॉल की ठीक है हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे अब आप देखें बच्चों गौर से देखें कि ग्रीन बॉल्स कितनी है यहाँ पे ठीक है हम ग्रीन बॉल्स को देखेंगे और उसके मुताबिक जो है फिर यहाँ पे देखते हैं कि कितनी बॉल्स बन रही हैं देखिए ग्रीन बॉल्स वन टू थ्री बन रही हैं तो प्रोबेबिलिटी लिख के जी जी से ठीक है ग्रीन टोटल हमारी कितनी ग्रीन बॉल्स हैं थ्री थ्री लिख लेंगे डिवाइडेड बाय अब टोटल बॉल्स गिन लेते हैं कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन ठीक है यहां पे लिख लेते हैं थर्टीन ये ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी आ गई है इसी तरह येलो बॉल की आपने फाइंड करनी है अब आप देखें कि येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैं सेकंड पार्ट लिख लेती हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो ठीक है अब आपने क्या करना है देखना है कि हमारे जो फेवरेबल जो है आउटकम कितने हैं येलो बॉल्स काउंट कर लें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स लिख लें टोटल बॉल्स कितनी है थर्टीन ये थर्टीन लिख लें तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल्स आ गई है ये इजी क्वेश्चन है बच्चों एक एक स्टेप का क्वेश्चन है इसलिए मैं बुक पे भी, भी आपको करवा रही हूँ आगे थर्ड पार्ट जो है अ रेड बॉल आपने रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो अब आप देखें कितनी रेड बॉल्स हैं वन टू थ्री फोर ठीक है यहां पे यहां पे मैं लिख रही हूं पार्ट थ्री प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स टोटल है फोर बॉल्स रेड बॉल्स और ग्रीन येलो एंड रेड बॉल्स को मिला के टोटल बॉल्स बन रही हैं थर्टीन तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई है रेड बॉल की क्वेश्चन नंबर सिक्स कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की स्टेटमेंट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हॉलीडे ऑन अ मंडे इन अ ईयर वो कह रहे हैं कि एक साल में जो मंडे होते हैं ठीक है उसमें हॉलीडे ऑन अ मंडे हॉलीडे का मतलब छुट्टी ठीक है अब इसमें हॉलीडेज नहीं कहा जा रहा है हॉलीडे यानी एक मंडे की छुट्टी ठीक है यानी टोटल मंडे जो साल में कितने बनते हैं वो टोटल बनते हैं फिफ्टी टू और एक मंडे की छुट्टी कह रहे हैं वो हॉलीडे यहां पे अगर S होता तो फिर हम बहुत सारी छुट्टियों की बात करते लेकिन जस्ट यहां पे हॉलीडे दिया गया है एक हॉलीडे ठीक है अब यहां पे हम क्या करेंगे कि हमने हमें एक मंडे की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हॉलीडे की टोटल हमारे पास है 52 और वन है हमारा जो है फेवरेबल तो अब इसको हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन का सोल्यूशन बच्चों हम करेंगे सेवन के सोल्यूशन में हम पहले क्या करेंगे कि हम लिख लेते हैं यहां पे कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ठीक है यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ठीक है अब हमने बच्चों क्या किया है कि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिख लिया है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ठीक है हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हॉलीडे ऑफ मंडे ठीक है अब यहां पर लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी हॉलीडे मंडे ऑफ भी लिख लें हॉलीडे ऑफ मंडे ठीक है अब हमने देखा था बच्चों के हॉलीडे ऑफ मंडे यानी एक मंडे के हॉलीडे की बात कर रहे हैं ठीक है यानी फेवरेबल आउटकम कितना है हमारा वन और टोटल मंडे जो है एक साल में कितने होते हैं फिफ्टी टू तो यहाँ पे हम लिख देंगे फिफ्टी टू यानी प्रॉबिलिटी किसकी आगे हॉलीडे ऑफ मंडे की क्या आ गया वन बाई ठीक है ये बच्चों क्वेश्चन नंबर सेवन कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर एट करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की स्टेटमेंट है कंटेन लार्ज नंबर ऑफ कलरफुल रिबन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वाइट रिबन इज वन बाय सेवन ठीक है एक बैग है उसमें लार्ज नंबर ऑफ कलरफुल रिबन है अब जो प्रोबेबिलिटी है किसकी वाइट रिबन की वो वन बाय सेवन है वट इज द प्रोबलिटी ऑफ सिलेक्टेड रिबन विच इज नॉट वाइट तो बाकी जो है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो कि वाइट नहीं है ठीक है ये बात ये बच्चे याद रखें जो प्रोबेबिलिटी है वाइट रिबन की उन्होंने वन बाय सेवन दी है ठीक है इट्स मीन की टोटल है सेवन सेवन रिबन और उसमें जो है वन जो है वो कौन सा है वाइट है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट जो है वो वन है ठीक है तो अब इधर देखें कि बाकी जो सेवन में से वन अगर हम माइनस कर देते हैं वाइट वाला ठीक है तो बाकी सिक्स रह जाएंगे तो जो कि क्या होंगे व्हाइट नहीं होंगे क्वेश्चन नंबर एट का सोल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर एट के सोल्यूशन में बच्चे पहले हम लिख लेते हैं कि जो हमें प्रोबेबिलिटी दी गई है किसकी वाइट रिबन की वो कितनी दी गई है वन बाय सेवन ठीक है तो अब व्हाइट जो कलर है उसमें से हम टोटल सेवन है वन माइनस कर देते हैं तो सेवन में से वन माइनस करेंगे तो बाकी कितना आ जाएगा सिक्स ठीक है अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बाकी जो है कलर की यानी जो बाकी जो व्हाइट नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो अब यहां पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ठीक है और फिर लिखेंगे नॉट वाइट रेबन जो के व्हाइट नहीं है ठीक है अब हमारा क्या फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अब यहाँ पे हमारे जो फेवरेबल कितने आ रहे हैं सिक्स आ रहे हैं सिक्स सिक्स लिख लेते हैं और टोटल हमारे जो पॉसिबल आउटकम है वो सेवन है तो यहाँ पे सेवन लिख लेते हैं ये प्रोबेबिलिटी आ गई है नॉट वाइट रिबन की क्वेश्चन नंबर एट कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर नाइन करते हैं एक्सरसाइज सिक्सटीन सी का बच्चों क्वेश्चन नंबर नाइन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं द स्पिनर हैज एट इक्वल पार्ट एक स्पिनर आपको दिया गया है उसके एट इक्वल पार्ट हैं ठीक है देखें काउंट कर लें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है फाइव द प्रोबिलिटी ऑफ आपने प्रोबिलिटी फाइंड करनी है किस किस की आपको फोर पार्ट दिए गए हैं स्पिनिंग ऑफ फाइव यानी फाइव की प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है अब ये देखें यहाँ पे बच्चों फेवरेबल आउटकम कितने आ रहे हैं फाइव वन टू टू फाइव आ रहे हैं ठीक है और टोटल कितने हैं ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट है ठीक है इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं फिर हमें कहा है कि नॉट स्पिनिंग अ थ्री ठीक है जो थ्री जो है वो स्पिन नहीं कर रहे थ्री के अलावा अब ये देखे थ्री हमारे जो थे ठीक है वो कितने थे यहां पे टू है वो कह रहे हैं नॉट स्पिनिंग थ्री के अलावा की बात करें दो को आप कट करें ठीक है बाकी कितने रह जाएंगे सिक्स रह जाएंगे ठीक है तो सिक्स बाय एट करेंगे इसी तरह स्पिनिंग आ सिक्स अब आपने सिक्स को देखना है यहां पे तो सिक्स है ही नहीं ठीक है तो अब हम यहां पे जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या आ जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं एट वो लिखेंगे जीरो बाय एट जीरो हो जाएगा नॉट स्पिनिंग आ सिक्स यानी जो सिक्स जो है वो स्पिन नहीं कर रहा उसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है तो सिक्स तो बच्चों अब देखें यहां पे यानी यहाँ पे देखें सिक्स तो मौजूद ही नहीं है ठीक है तो अब यहाँ पे आप बाकी काउंट कर ले कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट है और टोटल पॉसिबल आउटकम जो है वो हमारे वो भी एट है तो एट को एट पे डिवाइड करेंगे तो वन आ जाएगा ठीक है अब इसका बाकायदा मैं आपको सोल्व करके दिखाती हूँ अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था अब हम इसको सोल्व करते हैं ये बच्चों मैंने एक स्पिनर बना लिया उसके है उसके इक्वल पार्ट्स हैं ठीक है एट टोटल पार्ट्स हैं हमने इसको बना लिया फर्स्ट पार्ट हमें कहा गया स्पिनिंग ऑफ फाइव हमने फाइव की जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अब हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव फाइव काउंट कर लें कितने वन टू ठीक है टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कितने आ रहे हैं टू आ रहे हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम काउंट कर ले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट आ रहे हैं ठीक है यहाँ पे एट लिख लेंगे अब बच्चों इसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं बुक में आंसर जो है हमें ये दिया गया है टू बाय एट लेकिन अगर बच्चों को ये याद नहीं रहेगा कि यहीं पे स्टॉप कर देना होता है कि इसको रिड्यूस भी करना होता है ज़ारी बात है दोनों रिड्यूस हो रहे हैं तो अगर हम इसको रिड्यूस करते हैं तो टू वन जार टू टू फोर जार एट हो जाएगा तो वन बाय फोर आ जाएगा ठीक है अगर आप वन बाय फोर भी लिख लेते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि रिड्यूस होकर भी आपका आंसर ये वाला बन रहा है वन बाय फोर बुक में उन्होंने यहाँ पे टू बाई एट पे ही स्टॉप कर दिया क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों सूरतों में आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव कंसिडर होगी ठीक ठीक है अब हम इसका पार्ट टू करते हैं नॉट स्पिनिंग आ थ्री ठीक है थ्री के अलावा आपने देखने थ्री है. है हमारे पास टू टाइम ठीक है उसको हमने दो छोड़ देना थ्री को बाकी देख लेना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है तो हमने जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी नॉट स्पिनिंग थ्री तो पी लिख के यहां पे लिख लेंगे नॉट स्पिन थ्री ठीक है ये लिख लेते हैं इज इक्वल अब टोटल जो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे सिक्स आ रहे हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम यानी सारे के सारे जो आउटकम है वो कितने हैं एट है ठीक है अब यहाँ पे बच्चों हम इस क्वेश्चन को स्टॉप कर सकते हैं बुक में पीछे यही आंसर दिया गया है ठीक है लेकिन अगर हम इसको रिड्यूस करते हैं तो टू के टेबल पे टू थ्री हजार सिक्स टू फोर हजार एट ठीक है थ्री और फोर तो यानी थ्री बाय फोर ये आता है अब चाहे आप इसको ऐसे लिख लें चाहे आप इसको ऐसे लिख लें सिक्स बाय एट करके भी स्टॉप कर सकते हैं और थ्री बाय फोर करके भी स्टॉप कर सकते हैं ठीक है थीके? दोनों सूरतों में आपका आंसर जो है वो करेक्ट कंसिडर होगा पार्ट थ्री की तरफ चलते हैं स्पिनिंग ऑफ सिक्स अब आप देखें यहां पे ऊपर स्पिनर की तरफ चलें। यहां पे तो स्पिनर में सिक्स है ही नहीं तो यानी हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे जीरो और टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम के कितने हैं एट तो अब यहां पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिनिंग सिक्स ठीक है तो वो हमने देखा है कि हमारा कोई भी जो है वो नंबर सिक्स में नहीं आ रहा है यानी जो फेवरेबल आउटकम हमारे जीरो है जीरो लिखते हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम एट है जो चीज भी जीरो पे डिवाइड होती है तो आंसर जीरो हो जाता है ठीक है तो ये हमारा क्या आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिनिंग सिक्स आ गई है ठीक है तो ये हमारा इसका आंसर हो गया अब पार्ट फोर की तरफ चलते हैं नॉट स्पिनिंग ऑफ सिक्स यानी इसके सिक्स के अलावा आपने बात करनी है सिक्स नहीं इसमें शामिल है ठीक है अब हम यह यहाँ पे देखते हैं सिक्स के अलावा जो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने बने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट बन रहे हैं सिक्स तो है ही नहीं ना टोटल एट बन रहे हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम भी हमारे कितने हैं एट ही हैं तो अब यहाँ पे लिखते हैं हा? हम हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड कर रहे हैं नॉट स्पिनिंग सिक्स यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्पिनिंग सिक्स uh, इसमें अब हम क्या देख चुके हैं कि यहाँ पे सिक्स नहीं है हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने बने टोटल एट बन रहे हैं और पॉसिबल आउटकम भी हमारे एट ही आ रहे हैं एट एट वन जार एट हम इसको कट कर लेते हैं तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी वन आ जाएगी तो यही बच्चा इसका आंसर है इसके साथ एक्सरसाइज सिक्सटीन सी कम्प्लीट हो गई है और बच्चों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करी सब्सक्राइब करें बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो चैनल पे आते हैं ठीक है वीडियो को देखते भी हैं और लेकिन सब्सक्राइब किए बगैर चले जाते हैं दैट्स वेरी बैड बच्चों क्योंकि वीडियो बनाने वाला भी बहुत मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बनाता है अपना बहुत सा कीमती टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बना के आप लोगों को एजुकेशन की फैसिलिटी देना चाहता है ठीक है तो आपका फर्ज बनता है ये कि आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें तो वीडियो को लाइक करें एंड थैंक यू अल्लाह हाफिज़